देखा है जब हम सिवान की तरफ जाते हैं तो शामपुर बाजार के पहले जो पुल है उस पुल के पहले आप देखिए तो लगभग 200 मीटर में कचरा फैला दिया गया है। इस पे अभी भी कोई भी नेतागण नहीं बोले हैं। जीरादेव विधानसभा से हमको लग रहा है कि अभी तक 20 प्रत्याशियों का नाम हमारे सामने घूम रहा है लेकिन कोई भी प्रत्याशी के नजर में वो समस्या नजर नहीं आ रही, जबकि आते जाते सैकड़ों लोग उस दुर्गंध से उस सामना हो रहा है लोगों का। और बहुत ही मतलब दुर्भाग्य की बात है कि जीरादेव की नगरी को कचरा घर बना दिया गया। इस पे आप क्या कहेंगे सर, आप किन किन मुद्दाओं को लेकर के जनता के बीच में जाइए? करोड़ों नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, कहीं किसी को रोजगार नहीं है। हम लोग सबसे पहली प्राथमिकता रोजगार की रहेगी। आज आप देख रहे हैं चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे वह प्रखंड हो, चाहे वह जिला हो, चाहे वह थाना हो, सभी जगह भ्रष्टाचार कायम है। इसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। जो बेइज्जत हुए और सबसे ज्यादा जिनकी मतलब दुर्दशा हुई वो थे बिहार। तो बिहार की बेरोजगारी की समस्या कैसे दूर किया जा सकता है आपके नजर? लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया जाता है, जाति धर्म के नाम पर बात कर लोगों से वोट लिया जाता है, लेकिन कहीं भी कोई प्रयास नहीं किया जाता है कि आप देखें नीतीश सरकार जब से बने तब से एक सुई का कारखाना भी नहीं लगा है। जो भी चीनी मिल जो पुराने है वह बंद पड़ी हुई है, सिवान में एक सूता फैक्ट्री है वो भी बंद पड़ी हुई है। कभी भी सरकार के द्वारा यह प्रयास नहीं किया गया है कि इसको चालू किया जाए। जब प्रयास ही नहीं किया गया है तो फिर चालू कैसे होगा? जीरादेव जो क्षेत्र है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली भी है, तो ये उपेक्षा का शिकार है अभी तक, इसके पीछे आप इसको जिम्मेदार मानते हैं? अभी कोरोना महामारी में हमारे वर्तमान जो प्रतिनिधि है जीरादेव के एक दिन भी दिखाई नहीं दिए। लोग भूखे प्यासे पैदल जो बाहर से आ रहे थे जा रहे थे लेकिन उसको देखने वाले कोई भी नहीं था। लोगों को रोजगार देने की तो दूर की बात है, जब आपके यहाँ के लोग बाहर से पैदल आ रहे हैं हजारों मीटर किलोमीटर से साइकिल चलाकर आ रहे हैं तो उसको ये लोग खाने का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो रोजगार की क्या व्यवस्था करते हैं? ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इसका विकास अभी तक किसी ने भी नहीं किया, चाहे कोई सांसद हो चाहे कोई भी विधायक हो। जीरादेई की धरती को हमेशा मतलब कहें तो लूटने का काम किया गया, इस क्षेत्र के जनता को बेवकूफ बनाया गया, इस पर आपका क्या कहना है? यहाँ तक कि जीरादेई के जो स्वास्थ्य केंद्र है आप देखे करते हैं उसमें 10 बजे से 4 बजे तक एक आध को डॉक्टर मिल जाते हैं, उसके बाद से अगर आपको इमरजेंसी हो जाता है तो सीधे आपको सिवान जाना पड़ता है या पटना जाना पड़ता है, हमेशा बंद पड़ा रहता है। इस पर कभी भी कोई जीरादेई के प्रतिनिधि या सांसद हो या विधायक हो कोई भी कभी नहीं बोलता है इस पर। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम उपस्थित है सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के विजयपुर गांव में और हमारे साथ हैं राजद नेता हरिंदर सिंह जो प्रबल दावेदार हैं जीरादेई विधानसभा से राजद के टिकट के लिए। आइए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या है चुनावी तैयारियाँ। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार आपको और पूरे जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की जनता को मैं अपने तरफ से नमस्कार प्रणाम करता हूं। सर आप किन किन मुद्दाओं को लेकर के जनता के बीच में जाइए? देखिए बहुत सारा मुद्दा है, आप देख रहे हैं देश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है जी। करोड़ों नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है जी। लोग भूखे मर रहे हैं जी। कहीं किसी को रोजगार नहीं है। ये सरकार जो नीतीश सरकार है या मोदी सरकार है दोनों सरकार नौजवानों को रोजगार देने में विफल है जी। हम लोग सबसे पहली प्राथमिकता रोजगार की रहेगी, उसके बाद तमाम तरह की। आज आप देख रहे हैं चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे वह प्रखंड हो चाहे वह जिला हो चाहे वह थाना हो, सभी जगह भ्रष्टाचार कायम है। इसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे जी। और जो भी समस्याएं हैं चाहे वो स्वास्थ्य की समस्याएं हो चाहे शिक्षा की समस्याएं हो उन सभी समस्याओं को हम लोग
हम लोग जब सरकार बनेगी तो हम लोग उसको उसका समाधान करने का काम करेंगे। अभी जैसे कोरोना महामारी जब फैला और 22 मार्च के बाद से जब लॉकडाउन लग गया पूरे देश में, तो सबसे ज़्यादा जो बेइज्जत हुए और सबसे ज़्यादा जिनकी मतलब दुर्दशा हुई वो थे बिहारी, क्योंकि उनको अपने रोजगार के लिए अलग अलग राज्यों में जाकर के काम करना पड़ता था और वे उस समय विवश हो गए अपने गांव को लौटने के लिए। तो कहीं ना कहीं बिहार की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। तो बिहार की बेरोजगारी की समस्या कैसे दूर किया जा सकता है आपके नज़र में? देखिए, बेरोजगारी की समस्या पर सच तो यह है कि कभी भी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया है जी। लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया जाता है, जाति धर्म के नाम पर बात कर लोगों से वोट लिया जाता है, लेकिन कहीं भी कोई प्रयास नहीं किया जाता है कि आप देखें नीतीश सरकार जब से बनी तब से एक सुई का कारखाना भी नहीं लगा है। जो भी चीनी मिल जो पुराने हैं वह बंद पड़ी हुई है, सिवान में एक सूता फैक्ट्री है वो भी बंद पड़ी हुई है। कभी भी सरकार के द्वारा यह प्रयास नहीं किया गया है कि इसको चालू किया जाए। जब प्रयास ही नहीं किया गया है तो फिर चालू कैसे होगा? इसीलिए हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव के सरकार तेजस्वी यादव की जब सरकार बनेगी बिहार में तो हम लोग सभी चीनी मिल हो या किसी भी तरह का जो बंद पड़ी फैक्ट्रिया वगैरह उसको हम लोग चालू करने का काम करेंगे और अपने से छोटे छोटे हर एक पंचायत स्तर पर लघु उद्योगों का निर्माण करा करके लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जीरा देवी जो क्षेत्र है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली भी है, तो ये उपेक्षा का शिकार है अभी तक, इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, हम लोग जीरा देवी से 10 वर्षों से इधर जुड़े हैं। पहले हम लोग मैरवा में थे जी। लेकिन जब जीरा देवी में दो बार दो लोगों को प्रतिनिधित्व मिला, एक बार बीजेपी के एमएलए हुए और एक बार जदयू के एमएलए हुए, लेकिन हमने देखा है कि ये जनता के समस्याओं से बराबर दूर ही रहते हैं, जनता से दूर ही रहते हैं। अभी कोरोना महामारी में हमारे वर्तमान जो प्रतिनिधि है जीरा देवी के एक दिन भी दिखाई नहीं दिए। लोग भूखे प्यासे पैदल जो बाहर से आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन उसको देखने वाले कोई भी नहीं था। हम लोग तो जितना बन पड़ा हम लोग अपने जीरा देवी क्षेत्र में कैंप लगाकर लोगों को खाने पीने का व्यवस्था कराए, चिवड़ा मीठा का व्यवस्था कराए। उसमें स्थानीय लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग भी अपने से मदद किए, लेकिन हमारे प्रतिनिधि सोए रहे, थोड़ा सा भी उसका नोटिस नहीं लिए। ऐसे प्रतिनिधि से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? लोगों को रोजगार देने की तो दूर की बात है, जब आपके यहाँ के लोग बाहर से पैदल आ रहे हैं हजारों मीटर किलोमीटर से साइकिल चलाकर आ रहे हैं, तो उसको ये लोग खाने का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो रोजगार की क्या व्यवस्था करते हैं? ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं लोग, और अपना पेट भरने से इन लोगों को मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। इसीलिए जनता चाह रही है कि इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाया जाए ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और लोगों की जो भी समस्या है, चाहे स्वास्थ्य की समस्या है, चाहे शिक्षा की समस्या है, उससे छुटकारा मिले, स्वास्थ्य समस्याओं से लोगों को छुटकारा मिले। जीरा देवी का विकास अभी तक किसी ने भी नहीं किया, चाहे कोई सांसद हो चाहे कोई भी विधायक हो। जीरा देवी की धरती को हमेशा मतलब कहें तो लूटने का काम किया गया, इस क्षेत्र के जनता को बेवकूफ बनाया गया, इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपके बात से सहमत हूँ। हमारे सांसद पूर्व सांसद ओम प्रकाश बाबू जीरा देवी को गोद लिए थे, लेकिन गोद लेने के बाद से कोई भी काम नहीं किए। आज तक एक बढ़िया कोई कॉलेज नहीं है जो हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों को पढ़ने की व्यवस्था हो, जो हमारे क्षेत्र के विद्यार्थी यहाँ से या तो सिवान जाते हैं या तो पटना जाते हैं, कोई बढ़िया कॉलेज नहीं है, कोई बढ़िया विद्यालय नहीं है। यहाँ तक कि जीरा देवी के जो स्वास्थ्य केंद्र है आप देखभे करते हैं, उसमें 10 बजे से 4 बजे तक एक आध को डॉक्टर मिल जाते हैं, उसके बाद से अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाता है तो सीधे आपको सिवान जाना पड़ता है या पटना जाना पड़ता है, हमेशा बंद पड़ा रहता है। इस पर कभी भी कोई जीरा देवी के प्रतिनिधि या सांसद हो या विधायक हो कोई भी कभी नहीं बोलता है इस पर, यह जीरा जी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं चाहूंगा कि ऐसे प्रतिनिधि को जनता इस बार सबक सिखाए आने वाले चुनाव में। कुछ साल पहले पित्रा में भी एक हॉस्पिटल हुआ करता था जो आज शराबियों के लिए जुआड़ियों के लिए अड्डा बना हुआ है, जो पित्रा बाजार में एक हॉस्पिटल है, आप देखे हैं उस चीज को, हम कई बार उस पर कवरेज भी किए। तो आयुष्मान भारत के तहत वहाँ पे जो पहले एक रूम था जो जीर्ण अवस्था में था उसको रिपेयर करके अभी बना दिया गया,
लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई ना डॉक्टर है ना कोई कंपाउंडर है, अभी कोई भी चिकित्सा की सुविधा उसमें नहीं शुरू की गई है। तो आप लोग मान लीजिए विपक्ष में है, तो उसके लिए आप लोग क्या मानती है अभी तक? सरकार के जो लोग हैं जो वर्तमान में है उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है जी। विपक्ष का तो आप बातें छोड़ दीजिए, विपक्ष हम लोग तो कोई भी दरखास्त देते हैं तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और कह दिया जाता है कि हाँ इस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसीलिए सबसे जरूरी है कि यहाँ के जो भी प्रतिनिधि आए संवेदनशील हो, वो लोगों की बात सुने और हर समस्याओं पर का समाधान निकाले, वैसे प्रतिनिधि की जरूरत है। और इस बार जनता यह ठान ली है कि आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाएगी। नेताजी जब हम सिवान की तरफ जाते हैं तो शामपुर बाजार के पहले जो पुल है उस पुल के पहले आप देखिए तो लगभग 200 मीटर में कचरा फैला दिया गया है। इस पे अभी भी कोई भी नेतागण नहीं बोले हैं। जीरा देव विधानसभा से हमको लग रहा है कि अभी तक 20 प्रत्याशियों का नाम हमारे सामने घूम रहा है, लेकिन कोई भी प्रत्याशी के नजर में वो समस्या नजर नहीं आ रही, जबकि आते जाते सैकड़ों लोग उस दुर्गंध से उस सामना हो रहा है लोगों का। और बहुत ही मतलब दुर्भाग्य की बात है कि जीरा देव की नगरी को कचरा घर बना दिया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। यह बात सामने आई है और आपके द्वारा यह उठाई गई है जी। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं भी जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस क्षेत्र में और वो भी मेन रोड पे जो कचरा फेंका जा रहा है उसको नहीं फेंका जाए, इसको जिला प्रशासन संज्ञान में ले और उस पर कार्रवाई करे और इसको अन्यत्र किसी जगह पर उसकी व्यवस्था कराया जाए। इसके बारे में 10 दिन पहले जिला सीओ को भी सूचना दी गई है, अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं है और कोरोना जैसी महामारी चल रही है, लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन इस परिस्थिति में भी इस तरह से खुले में कूड़ा कचरा फेंकने से संक्रमण अगर फैलता है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेवार है, यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि है चाहे वो MLA हो या MP हो, वो लोग भी जिम्मेवार है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत उसको बंद कराना चाहिए कि वहां पर कचरा नहीं फेंका जाए। तो मतलब ये सारी बातें हम लोग किए और हमने मुद्दाओं को भी जाना कि लोकल क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। अभी सबसे ज़्यादा समस्या लोगों को बिजली की हो रही है, रात के समय में सभी लोग इतना सक्षम नहीं है कि वो इन्वर्टर और बैटरी लगा लें उनको रात भर मतलब चैन सुकून की नींद सो सकें। आप देखते होंगे कि एक घंटे में कम से कम 20 बार लाइट आ रही है और जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैं पहले ही कह चुका हूँ, यह जो सरकार है हर मोर्चे पर फेल है, चाहे वह बिजली की समस्या हो, चाहे वह रोड की समस्या हो, चाहे वह स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे वह शिक्षा की समस्या हो। आप देख रहे हैं प्रतिदिन अपराध का ग्राफ कितना बढ़ रहा है, लोग जा रहे हैं किसी काम से सिवान में अपना मोटरसाइकिल बैंक के सामने लगा दे रहे हैं और आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि मेरा मोटरसाइकिल गायब है, मेरा गाड़ी गायब है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, लेकिन सरकार जो है कान में तेल डालकर सोई हुई है। इसीलिए इस बार जनता भी अपना मन बना चुकी है, इस बार महागठबंधन की सरकार वो बनाएगी और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी और सभी सारी समस्याओं का समाधान उसी में है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने और लोगों की समस्याओं को दूर करें। ऐसा देखा जा रहा है कि अभी की जो सरकार है इसमें अपसरताही बहुत ही ज्यादा है। अभी कुछ दिन पहले राशन कार्ड बनाने का जो खेल शुरू हुआ था, खेल ही हम उसको कहें, क्योंकि राशन कार्ड बनवाने के लिए भी घूस दी जा रही थी, राशन कार्ड बांटने के समय भी घूस लिया गया 2,000-2,500-3,000 तक। जो वीडियो है वो अपने अपने हर एक गांव में दलालों को रख लेते हैं, हर एक ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी काम आप चले जाएं ब्लॉक लेवल पे करवाने बिना घूस दिए हुए बिना दलाल से मिले हुए आपका काम नहीं होता है, इस पर आप क्या कहें? मैं आपके बात से सहमत हूँ। मैंने पहले भी कहा कि चाहे वह ब्लॉक हो, थाना हो, जिला कलेक्टरेट हो या अन्य सरकारी दफ्तर हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल को ही लीजिए, कहीं भी बिना घूस के काम नहीं हो रहा है। अब सरसाही चरम सीमा पर है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है और हर जगह घुसखोरी का बोलबाला है, बिना पैसे दिए किसी का काम नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी कहा
राशन कार्ड हो, चाहे वृद्धा पेंशन का काम हो, चाहे इंदिरा आवास का काम हो, चाहे लोगों को इलाज कराने की बात हो, चाहे थाना में FIR लिखवाने की बात हो, सभी चीजों में भ्रष्टाचार कायम है। और इस सरकार से जनता को उम्मीद भी नहीं है कि इसको दूर किया जा सकता है। इसको जनता को पूरी तरह से अब उम्मीद हो गया है कि इसको अगर दूर कोई करेगा तो मात्र तेजस्वी यादव करेंगे, बाकी कोई दूसरा नहीं करेगा। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए तेजस्वी यादव की सरकार बनती है, चाहे नीतीश कुमार की भी सरकार है, तो कोई भी नेता इतने मतलब निचले स्तर तक आ करके, मतलब सबसे अंतिम इकाई होगी ब्लॉक, नहीं जांच कर सकता या उनकी टीमें नहीं काम कर पाती है, तो इसको मतलब स्थानीय स्तर पे घुसखोरी को या भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, स्थानीय स्तर पर आप एक दिन लोगों को हुजूम ले जाकर के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, दो दिन तक को लोग सही काम करेंगे, लेकिन सभी लोग अपने रोजी रोटी का आवश्यकता है, इसीलिए सभी लोग अपने अपने रोजी रोटी में लग जाते हैं, फिर से उसको देखने वाले नहीं होते हैं, एक बार जाते हैं, दो बार जाते हैं, तीन बार जाते हैं, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, जब जिस दिन धरना प्रदर्शन करते हैं उस दिन व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाता है, बाकी दिन वही हाल होता है, भ्रष्टाचार कायम रहता है। इसीलिए जब तक ऊपर से मामला ठीक नहीं होगा या दूर होने वाला नहीं है, इसीलिए जरूरी है कि यहाँ पे महागठबंधन की सरकार बने और हम लोगों के नेता जो हिना साहब हैं, माननीय तेजस्वी जी हैं, इनके नेतृत्व में सरकार बने और तब जाकर के निश्चित रूप से मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि सारी समस्याओं का निष्पादन किया जाएगा। जी, अंत में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जीरा देवी विधानसभा सहित पूरे बिहार के जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में इस ढोंगी सरकार को, इस निकम्मी सरकार को जो सभी मोर्चे पर विफल है, इसको आप लोग बदलने का काम करें और महागठबंधन का सरकार बनाने का काम करें। मैं यही अपील करूंगा जनता से। जी, धन्यवाद। आप हमसे बात धन्यवाद।